बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने 23.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम 23.2 देखेंगे। 23.2 में भी वही क्वेश्चन है हमारे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमारे नहीं आ रहे, तो कार्ड वाले जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारे नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल एट अ रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। देखो इसमें रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन की है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, और आपको जो जार है उसमें क्या क्या कंटेन करते हैं, रेड बॉल है उसमें, ब्लू बॉल है एंड ऑरेंज बॉल है। ठीक है, इन ऑरेंज इन बॉल्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 1/4 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है, 1/3 है। इफ द जार कंटेन 100 ऑरेंज बॉल्स, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स हमारे पास 100, फिर ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। 100 क्या है, ऑरेंज नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स हमारे पास 100 है, तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बताओ इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसमें कि इसमें नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम एक्स लेट कर सकते हैं, तो लेट कर लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, लेट कर लेते हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारी, लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक्स, अगर हमने एक्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लेट किया। अब देखो हमें पता है कि सभी के एलिमेंट्री सम, ठीक है, सभी प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट्री सम हमारा कितना होता है, 1 होता है। कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, ये इन सभी बॉल्स का सम करोगे, इन सभी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का सम करोगे, तो वो आएगा हमारा 1/1, जिसमें कि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है एंड ब्लू बॉल की गिवन है, ऑरेंज बॉल की गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, ये पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल। देखो तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारा है 12, और यहाँ पर ये 3 और ये 4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल इक्वल्स टू में 1, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 7/12, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल इक्वल्स टू में 1, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, यहाँ पर 1 -7/12। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कितना, 12 -7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कितना हो जाएगा, 5/12। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल। लेकिन इससे फायदा क्या, क्या बेनिफिट हुआ इससे हमें, क्योंकि तो इससे बेनिफिट यहाँ पर होगा हमारा कैसे, कि नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल हमारे पास है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल हम कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कैसे फाइंड करते हैं, कि ऑरेंज बॉल कितनी है अपॉन में टोटल बॉल कितनी, यही तो करते हैं। अगर हमें क्या फाइंड करना होता, ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ऑरेंज बॉल है 100, इसने बोला ये लेट के हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक्स है, और हमें एक्स ही फाइंड करना है। बस ये एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 को यहाँ पर डिवाइड में, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 10 और 20, और 12 2 24, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 240। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी कितनी होंगी, 240 होंगी। तो बस यही करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें कह रहा है कि टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर जब टू डाइस आपकी क्या होती हैं, रोल किया जाता है उनको, तब क्या होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उस केस में हमारे 36 आउटकम बनते हैं। अगर हमारी सिंगल डाइस है तो उसमें तो हमारा 1 2 3 4 6 हो जाता है, लेकिन अगर हमारी टू डाइस साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो उसमें 36 इवेंट बनते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो सकता है। फिर यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड ये 2 6, फिर यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड ये 3 6, ये होगा। फिर यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 5
फोर फाइव एंड ये फोर सिक्स, तो यहाँ पे फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव एंड यहाँ पर ये सिक्स सिक्स। तो बस ये हमारे पास टोटल डबलेट का हमारा जो टोटल आउटकम्स बनता है सैम्पल स्पेस, ये हो गया कि अगर आप टू डाइस को रोल करते तो वन वन आ सकता है, कि पहले पे वन दूसरे पे वन, पहले पर वन दूसरे पर टू, ऐसे करके टोटल 36 इवेंट बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी जो हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार अगर आपने सैम्पल स्पेस प्रिपेयर किया तो फिर इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट बताओ आप। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बतानी है तो सिंपल क्या हो जाएगी, देखो डबलेट का मतलब वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये सिक्स हैं आउट ऑफ कितना, 36, 36 हैं टोटल, कैंसिल करोगे वन अपॉइंट सिक्स प्रोबेबिलिटी, ये है सिंपल। सेकेंड में कह रहा है कि सम एट हो, ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ का सम एट, ठीक है, कितना मिले सम, एट मिले। देखो कौन कौन से इवेंट है जिनका सम एट है, तो एट सम किसका हमारा, जैसे ये है टू सिक्स, थ्री फाइव, फोर फोर, फाइव थ्री एंड ये सिक्स टू, वन टू थ्री फोर फाइव, ये टोटल फाइव है हमारे आउट ऑफ 36, तो फाइव अपॉन 36 ये हो जाएगा सिंपल। अब ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसमें थर्ड पार्ट में कह रहा है कि सम डिविजिबल बाय फाइव, सम क्या हो, डिविजिबल बाय फाइव हो, तो सम डिविजिबल बाय फाइव हो, तो फाइव से डिविजिबल कौन हो सकता है, फाइव हो सकता है, टेन हो सकता है, फिफ्टीन हो सकता है, ट्वेंटी हो सकता है। तो अब देखो कि सम फाइव हो, टेन हो, फिफ्टीन हो या ट्वेंटी, इस तरीके से सम होने चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि भी क्या हो, सम डिविजिबल बाय फाइव हो, कि अगर आप दोनों का सम करें तो क्या है, डिविजिबल बाय फाइव। तो पहले देखो आप फाइव कहाँ रहा है, तो फाइव ये वाली रो है हमारी, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ये फोर इवेंट है जिसमें सम फाइव आ रहा है। फाइव के बाद टेन, देखो टेन सम कहाँ रहा है, तो टेन सम इसमें है, टेन के बाद फिफ्टीन सम कहीं पर आएगा ही नहीं। तो बस ये टोटल आउटकम्स है हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जिनका अगर हम सम कर रहे हैं वो फाइव से डिवाइड हो रहे हैं, तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेवन अपॉन में 36, सिंपल ये करना है इसमें। फिर कह रहा है कि सम एट लीस्ट इलेवन, ये इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट एट मोस्ट वाला केस, एट लीस्ट इलेवन का मतलब कि सम कम से कम कितना है, एट लीस्ट इलेवन, यहाँ पर सम एट लीस्ट सेवन चाहिए हमें, सम एट लीस्ट सेवन, तो देखो कम से कम सेवन हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दोनों का सम क्या हो, सेवन हो। देखो कम से कम सम सेवन कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है कम से कम सेवन, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा ये भी ट्वेल्व भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इलेवन रहे, तो इसका मीन्स ये थ्री हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें सम एटलीस्ट क्या है हमारा, इलेवन है, तो थ्री अपॉन में कितना, 36, कैंसिल करोगे वन अपॉन में 12, बस ये करना था इसमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है कि थ्री कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। देखो थ्री केस वाला, वैसे थ्री वाला जो केस होता है वो आता नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं हम इसको, इसमें गिवन है, तो थ्री केस जिसमें थ्री कॉइन्स को साइमल्टेनियस टॉस करते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड। तो अगर थ्री कॉइन्स को टॉस करोगे तो कितना टोटल जो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे, तो क्या होगा, टू की पावर थ्री मीन्स एट एलिमेंट्स। लेकिन अब ये आउटकम्स, इसका जो सैम्पल स्पेस है वो बनेगा कैसे, सैम्पल स्पेस ये भी अगर आप थ्री कॉइन को टॉस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि सभी पर हेड आ जाए, हेड हेड हेड। अब आपको देखो बनाना कैसे है ये, अब आप क्या करो भाई, आप क्या कर लो, पहले पर हेड ले लो और ये सेकंड और थर्ड पर क्या ले लो, टेल। अब आपको हेड को ही क्या करना है, हेड की पोजीशन चेंज करनी है, अब हेड को सेकंड पोजीशन पर ले लो, अब हेड को थर्ड पोजीशन पर ले लो, ये केस हो गए हमारे। अब क्या करो आप, अब इस बार तो हमारे पास इसमें क्या है, इन तीनों केसेस में हमारे पास टू टेल है, अब क्या करो टू हेड कर दो और टेल कर दो, एक सिंगल, एक सिंगल टेल और टू हेड कर दो। अब इस टेल की पोजीशन चेंज कर दो, टेल की पोजीशन चेंज एंड टेल टेल टेल, ये करना है सिंपल, ये हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस कुछ इस टाइप से। अब इसमें अगर आपको
फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो फिफ्थ के फर्स्ट में ये क्या बोल रहा है, थ्री हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स कि तीनों हेड हो, प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों हेड हो, वन टू थ्री, एक ही ऐसा आउटकम है हमारा, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, इन सभी एट एलिमेंट्स में से एक ही एलिमेंट है जिसमें तीनों हेड है, तो वन अपॉन एट, टोटल एट है, तो यहाँ पर वन अपॉन एट, सिंपल हो गया ये। फिर कह रहा है कि एग्जैक्टली टू हेड्स, सेकेंड में कह रहा है कि एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड की एग्जैक्टली टू ही हो उसमें, एग्जैक्टली टू हेड, टू हेड किस किस में देखो, इसमें टू हेड, इसमें टू हेड और इसमें, इन तीनों ही क्या कह सकते हैं एलिमेंट्स में एग्जैक्टली टू हेड है और किसी में एग्जैक्टली टू हेड नहीं है, यहाँ पर कितना होगा थ्री अपॉन एट। थर्ड वाले में कह रहा है कि एटलीस्ट, एटलीस्ट थर्ड वाले में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट टू हेड, आप देखो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम दो हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम दो हेड हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो हेड तो होने चाहिए थे इसमें, वन टू थ्री और ये फोर, तो ये फोर एलिमेंट्स लिए जाएंगे इसमें, फोर अपॉन में एट और इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू, अगर ये एट लिस्ट है तो ये होगा, लेकिन अगर ये होता है एट मोस्ट कि ज्यादा से ज्यादा टू हेड, तो ज्यादा से ज्यादा टू हेड होते, कम से कम एक भी हो सकता है और एक भी ना हो ये भी चलेगा, अगर इसी वाले में क्या होता हमारा एट मोस्ट वाला केस होता, एट मोस्ट टू हेड, तो हम क्या करते कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड, एक हेड भी चलेगा और एक भी नहीं वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो हो, तीन ना हो, तो बस ये वाला छोड़कर ये सभी आ गए इसमें, इस केस में सेवन अपॉन एट। ये क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ बॉक्स देर आर 10 नॉन डिफेक्टिव एंड सम डिफेक्टिव बल्ब्स, तो यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 10 एंड सम डिफेक्टिव बल्ब भी बोल रहा है, सम डिफेक्टिव बल्ब एंड जो कि नहीं पता है ना, सम डिफेक्टिव बल्ब हम एक्सलेट कर लेते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स टू बी अ डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी अगर हमें गिवन की है, डिफेक्टिव बल्ब ओके, इसी प्रोबेबिलिटी गिवन की है 2/7, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अगर हमने एक्सलेट किए हैं और टोटल नंबर बल्ब बल्ब कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 2/7, आप इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपको, देखो इसको सोल्व करेंगे 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7x और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 प्लस एक्स को, यहाँ पर ये 7x, यहाँ पर ये 20 प्लस 2x, 2x माइनस कर देंगे यहाँ पर 5x इक्वल्स टू 20x की वैल्यू हो जाएगी 5 4 20, ये होगा सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 35 इज, तो ये प्राइम नंबर वगैरह ये वाले क्वेश्चन तो हमने काफी किए हैं, इनको इजीली कर सकते हो आप, यहाँ पर कह रहा है 35 तक आपको बताना है, क्या फर्स्ट पार्ट में इसके बताना है क्या प्राइम नंबर हो, तो बताओ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर क्या क्या होंगे इसमें से 2 और क्या होगा 3 5 7 11 13 और 15 नहीं होगा 17 19 ये सभी क्या है हमारे 23 20 और क्या होगा हमारा 29 एंड 31 और होगा हमारा कोई 33 नहीं और कोई नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइम नंबर्स हैं आउट ऑफ 35 तो 11 अपॉन 35 ये होगा इसका सिंपल आंसर। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल कितने होंगे, 7 के मल्टीपल 5 होंगे, 7 7 टू 14 21 28 एंड 35 ये सभी 7 के मल्टीपल्स हैं, कितने हैं 5 आउट ऑफ कितना 35 कैंसिल करेंगे 1/5 आंसर 1/7 सॉरी ये 1/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। सिंपल थर्ड वाला पार्ट अगर हम देखें इसमें क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल एंड है तो आपको कॉमन वैल्यू लेनी होती है, अगर एंड गए तो दोनों में कॉमन वैल्यू, क्योंकि 3 के मल्टीपल इसमें क्या करना है आपको कि भी 3 के मल्टीपल निकालो, 3 के मल्टीपल क्या होंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड 30 के बाद भी एक नंबर आएगा 33, ये सभी 3 के मल्टीपल्स है या डिविजिबल बाय 3 ये कह सकते हो, एंड 5 से भी डिविजिबल वाले हो हमारे, 5 से क्या होंगे 5
टेन, फोर, फिफ्टीन, ट्वेंटी, 25, 30 एंड ये 35 ये होगा। अब एंड है तो अगर एंड है तो इन दोनों में क्या लेंगे हम कॉमन वैल्यू, ठीक है। अगर इन बीच में एंड कह रहा है तो कॉमन वैल्यू क्या क्या कॉमन, देखो जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो जैसे 5 मतलब 15 और कोई है इसमें 30, तो ये जो 15 है और ये 30 है दोनों में ही आ रहा है, इसका आंसर होगा 2/36 मीन्स 1/18। एंड में क्या लेंगे कॉमन वैल्यू, और इंटर अगर और होता बोलता 3 और 5 जैसे इसमें बोल रहा है, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है 3 और 5 के ही मल्टीपल्स बोल रहा है, मल्टीपल्स बोलो या फिर डिविजन बोलो एक ही बात है। इस वाले केस में क्या होगा कि ये सभी नंबर होंगे, ये सभी नंबर है हमारे कितने 11, 11 के बाद 12 13, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम ले चुके हैं इसे। और का मतलब क्या है यहाँ पर यूनियन है कि सारे एलिमेंट ले रहे हैं लेकिन जो आप ले चुके हो उसको अगेन काउंट नहीं करना है, ठीक है, दोबारा से काउंट नहीं करना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिंपल 16/36 2 से कैंसिल कर रहे हो तो 8/ कितना हो जाएगा 18 एंड अगेन 2 से कर रहे हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 4 8 एंड 2, 9 4/9। आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते थे 4 से 4, 4 4, 9। ओके तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें करना नहीं है, ये कार्ड वाला है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोल रहा है ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स वेरिंग नंबर्स फ्रॉम 6 to 70। तो हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जिस पर नंबर क्या डले हुए हैं 6 to 70। अब यहाँ पर आपको वन कार्ड सेलेक्ट करना है और उसमें बताना प्रोबेबिलिटी किसकी, ए वन डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक वन डिजिट नंबर है, तो बताओ इसमें कितने ऐसे नंबर है जो वन डिजिट है। तो वन डिजिट है क्या हमारा 6, 7, 8, 9, ये 4 नंबर ही ऐसे हैं जो क्या है हमारे सिंगल डिजिट है, वन डिजिट कह सकते हो आप। तो बस हमारा यही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4/ में कितना। अब ये बताओ टोटल नंबर होंगे कितने, तो स्टार्टिंग की अगर आप 5 नंबर्स हटा देते हो 1 to 5 तो भी वैसे 1 से स्टार्ट करते हो तो 70 नंबर्स होते हैं, 5 नंबर्स हटा दिए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 65। ये टोटल 65 होंगे 6 to 70, ये होगा 4/65 सिंपल। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 9th वाला है, नेक्स्ट में कह रहा है कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर क्या हो डिविजिबल हो 5 से, बताओ प्रोबेबिलिटी की नंबर डिविजिबल हो 5 से, 5 से डिविजिबल। तो इसमें सिर्फ किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर कितने नंबर हो रहे हैं 70 तक, देखो 70 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है 5 × 5, 5 × 4 = 20, 14, टोटल 14 नंबर्स होते हैं हमारे जो 5 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 5 को हटा देंगे तो टोटल 13 होंगे। तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 क्या होंगे हमारे, डिविजिबल बाय 5 तो यहाँ पर होंगे टोटल हमारे 13 out of 65। तो इसका आंसर होगा 1/5, 13, 5 से कितने होते हैं 65, ये हो गया सिंपल। तो ये होगा इसका सेकंड पार्ट। फिर कह रहा है कि एन ओड नंबर लेस देन 30, ओड नंबर लेस देन 30 लेने हैं आपको, ओड नंबर वो भी लेस देन क्या हो 30 हो, तो लेस देन 30 भी कितने ओड नंबर होंगे बताओ, लेस देन 30 हमारे कितने ओड नंबर होंगे। अगर हम टोटल 1 to 30 देखें तो इसमें कितने हैं, 1 to 30 में 30 इवन है, ओ 15 इवन है, 15 ही ओड है, तो 15 ओड होंगे इसमें। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग के कितने नंबर हटा दें, 1 हटा दें, 3 हटा दें और 5 हटा दें, तो 3 नंबर और हटा दें, 15 में से 3 नंबर हटा दें तो यहाँ पर 12 नंबर बचेंगे डिवाइड बाय 65। आप चेक भी कर सकते हो कि भाई हमारे पास कौन कौन से ओड आ रहे हैं इस बार, 7, 9, 11 और फिर 13, फिर यहाँ पर कितना 15, 15 के बाद कितना होगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद कितना हो जाएगा 27, 27 के बाद कितना होगा 29 और 29 के बाद कितना होगा 31, 31 तो लेना नहीं है बस हमें ये लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप इनको एपी की हेल्प से भी कर सकते हो, अगर आपने एपी चैप्टर किया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उसकी हेल्प से आप इनमें एपी बनाकर भी इनको सॉल्व कर सकते हो, वरना कॉमन सेंस लगाओ उसमें, इतना टफ नहीं है कुछ। ये होगा इसका आंसर, कितना हो गया हमारे पास 12/65, ये 12 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिंपल। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। फिर क्या बोल रहा है फोर्थ में कि कंपोजिट नंबर बिटवीन 52। अब बताओ कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये कह रहा है कंपोजिट नंबर बिटवीन बिटवीन 50 to 70। अब बताओ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं जो हमारे प्राइम नहीं होते, ठीक है, जैसे हमारे पास 50 के बाद अगर हम देखें, बिटवीन कह रहा है ना तो 50 से 70 के बीच में, तो हम देखेंगे 50 के बाद क्या आ रहा है हमारा 51 आ रहा है, क्या ये कंपोजिट नंबर है।
अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है हमारा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, कंपोजिट है। वैसे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये कहते हैं कि जिसके फैक्टर प्राइम नंबर्स आए, कि अगर आपने इसके प्राइम फैक्टर किए, जैसे यहाँ पर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जाती है 3 7 जाए और ये 17, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो जिसके फैक्टर हो रहे हैं ठीक है, ये कह सकते हो कि जो 1 के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो रहा है ठीक है, तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है और किसी और नंबर से भी हो रहा है, 17 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, क्योंकि अगर ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता तो सिर्फ ये प्राइम होता, और प्राइम नहीं है तो क्या है कंपोजिट, तो फिर क्या होगा इसमें, कंपोजिट होगा 51। तो हम 51 लेंगे और क्या लेंगे, 52 लेंगे और क्या लेंगे, 53 नहीं लेंगे क्योंकि 53 प्राइम है, फिर क्या लेंगे हम इसमें, 54 लेंगे, 55 लेंगे, 56 लेंगे, 57 लेंगे, 58 लेंगे, 57 भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी क्या है हमारा प्राइम है, 59 लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि 59 भी नहीं आता कहीं पर भी, तो ये भी नहीं लेंगे, तो ये भी प्राइम है, तो क्या लेंगे फिर हम इसमें, 60। 60 के बाद 61 लेंगे, नहीं 61 भी नहीं आता तो 61 भी नहीं लेंगे, फिर 62 लेंगे, 63 भी लेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 64 भी लेंगे, 65 भी लेंगे, 66 भी लेंगे, 67 नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि ये भी हमारा डिवाइड नहीं होता किसी से भी, 68 लेंगे और 69 लेंगे और फिर लेंगे हमारा 70 में लेना नहीं, तो बस ये नंबर्स होंगे हमारे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 14/65। बस आपको ये करना था इसमें, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसमें अगर कहीं भी मिस्टेक आ रही हो तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि कभी कभी कुछ नंबर मिस हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर कहीं पर भी आपको लगेगी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, तो उसको डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इस सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, तो आपको वर्ड गिवन क्या है जो आप चैप्टर कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी नाम का एक वर्ड है आपका, प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास एक वर्ड है। देखो अब ये जो वर्ड है इसमें से क्या करना है आपको, वोवेल्स जो होते हैं ठीक है, वोवेल्स वाले जो लेटर है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी वोवेल्स बतानी है आपको, तो वोवेल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, तो देखो ए ई आई ओ यू क्या है इसमें, नहीं ए ई ई है कहीं भी नहीं, ए ई आई आई है ये रहा आई, ए ई आई ओ भी है, ए ई आई ओ यू यू भी नहीं है इसमें ठीक है, तो सिर्फ यही है इसमें जो कि वोवेल्स हैं, तो वोवेल्स की अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें तो सिंपल कितने हैं, 1 2 3 4 4 है, आउट ऑफ कितने लेटर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल 11 ये हो जाएगी सिंपल प्रोबेबिलिटी, तो इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी आते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट कह रहा है 11 में कि ए बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये एक्स वाला जो क्वेश्चन है इसमें अननोन कर देता है, इन क्वेश्चन को करना है आपको, ये कह रहा है कि बैग कंटेन 12 बॉल्स, एक बैग में टोटल 12 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, जिसमें से एक्स वाइट बॉल है ठीक है, एक बैग है जिसमें से क्या है वाइट बॉल, क्या है एक्स है, और टोटल इसमें बॉल में बैग में कितनी बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं। अभी कह रहा है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल, अगर हम एक बॉल को ड्रॉ करें और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वाइट बॉल हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कि अगर इसमें एक्स वाइट बॉल है आउट ऑफ कितने में से 12 में से, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अभी हमें एक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो एग्जैक्ट कितनी होगी, तो बस इसी फॉर्म में इसका आंसर छोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, 6 बॉल और जोड़ दे अगर इसमें ऐड कर दे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल विल डबल देन दैट इन द दैट इन द फर्स्ट, ठीक है जो हमने फर्स्ट में किया था उसका डबल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ड्रॉइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल, ठीक है तो अब ये कह रहा है कि भी अब ये जो न्यू प्रोबेबिलिटी होगी ठीक है, न्यू वाइट बॉल ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डबल होगी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, हम इसे डैश ले लेते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू वाइट बॉल, ठीक है न्यू वाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो क्या होगी, डबल होगी पहले वाले की, तो ये वाली क्या होगी, ये वाली होगी हमारे पास एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय कितना होगा, अब टोटल बॉल्स कितनी होंगी ये बताओ, जब आपने 6 इसमें ऐड किए हैं भाई, पहले टोटल बॉल्स कितनी थी 12 थी, लेकिन 6 और ऐड किए हैं तो भाई कितने हो जाएंगे, अब 18 बॉल्स हो जाएंगे, अगर आप पहले टोटल 12 बॉल्स थी बैग में और उसमें से कुछ क्या थी हमारी
एक्स वाइट थी और कुछ जो भी बची हमारी वो कोई दूसरी बॉल थी, लेकिन छः और ऐड करोगे तो छः टोटल में भी तो ऐड होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 12। अभी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सोल्व कर लो। सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 6 12, 6 से कैंसिल कर लो, 6 3 18, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर एक्स प्लस 6 और इधर ये हो जाएगा 3x, एक्स को इधर माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 6 इजिकल्स टू 2x, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, इसका मीन्स वाइट बॉल्स हमारे पास पहले कितनी थी, 3 वाइट बॉल्स थी। ये करना था इसमें फाइंड, सिंपल तो ये हो गया हमारे पास इसका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट देर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स की भी अगर हमारे पास मान लेते हैं बैग और बैग में कुछ बॉल्स हैं, तो सभी बॉल्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें अलग अलग, तो वो सभी क्या होंगे, इसके एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। तो उस आउटकम्स में या फिर कह सकते हो सैंपल स्पेस में जितने भी हमारे क्या आ रहे होंगे, पॉसिबल इवेंट्स आ रहे होंगे, वो सभी क्या हैं, इसके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो अगर इसमें जितनी भी रेड वाइट ब्लू जो भी बॉल्स आ रही है उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इनका सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो वही बात कर रहा है इसमें, तो एलिमेंट्री इवेंट्स अगर इसमें कह रहा है कि उनमें से 2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 ऑफ देम आर, उनमें से 2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम होगा कितना, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम होगा हमारा, लेट कर लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है, तीनों का सम होगा 1, क्योंकि एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड एलिमेंट्री इवेंट, तो थर्ड एलिमेंट्री इवेंट्स जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। बस आप क्या कर लो, इन दोनों को लेके आ जाओ, पहले आप इधर एल सी ले सकते हो, यहाँ पर 2 + 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 5 upon 9 + x = 1, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 5/9, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 - 5/9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/9। तो बस ये सिंपल हो गया इसका आंसर, 4/9। ये करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बस यही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन अ मैच बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी दो बंदों में मैच हो रहा है, दो बंदों के बिटवीन मैच हो रहा है, या फिर टीम कह सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए कितना गिवन किया है, ये गिवन किया 0.83। अब क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, अगर ये इतने परसेंट, या फिर कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो इसके जीतने की और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। अब ध्यान से समझे इसको, कि अगर ये 83% जीत रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये इसका जो परसेंटेज बचेगा हमारा 27% इसके भी चांस है जीतने के, इसके चांस कितने हैं 83%, तो इसके कितने हैं 27% है। इसके जीतने और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग का कितना होगा हमारा सम, 1 होगा। तो अगर हम इसमें देखें 0.83 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ, तो सिंपल यहाँ पर विनिंग ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, 1 - 0.83। 1 - 0.83 कितना आ रहा, ये आ रहा 0.27। सिंपल, तो ये करना था इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में, 13 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसके नेक्स्ट पार्ट में भी क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग लूजिंग द मैच इज 0.494 बी, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी गिवन की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ बी कि बी लॉस हो रहा है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैच में वो हार जाए, तो 0.49। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, ए की विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो ध्यान से कि भाई अगर ये इतना हार रहा है ना, तो दूसरा वाला इतना ही परसेंट जीत रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई इसकी हारने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर देंगे, समझ रहे हो आप, 1 में से माइनस कर देंगे 0.51 आएगा। इतना परसेंट ये क्या कर रहा है, विन हो रहा है, तो दूसरा वाला जो विन होगा, ऐसा भी हमने इसको किया, विन की विन से अगर हम निकालें, तो 1 - 0.51 करेंगे, तो उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, 0.49। तो इसका मतलब ये भी है कि जितना परसेंट ये हार रहा है, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरे वाले की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए कितनी होगी हमारी, 0.49 होगी।
या तो आप ऐसे समझ लो कि भी ये इतना परसेंट हार रहा है तो ये इतना परसेंट जीत रहा है, अब ये इतने परसेंट जीत रहा है तो ये कितने परसेंट जीत सकता है, अगर ये 51% इसके हैं तो इसके परसेंट कितने बनते हैं, 49%, ऐसे कर सकते हो आप सिंपल। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, तो 13 का सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 14, ये कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, ये नहीं करना आपको, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 वाले में टिकट नंबर 3 to 29 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ टिकट इज। तो आपको करना है कि प्राइम नंबर हो कर सकते हो, नंबर लेस देन 16 हो कर सकते हो, नंबर डिविजिबल बाय 3 हो कर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसको, तो सिंपल आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 3, 5, 7, लेकिन इसने कुछ सिस्टम से दिए हैं, 3, 5, 7, 9, वो सिर्फ क्या है, ये ओड नंबर्स हैं इसमें, 3, 5, 7, 9, फिर यहाँ पर 11 होगा, फिर यहाँ पर 13 होगा, फिर 15 होगा, 17 होगा, देखो इसका यहाँ पर ऑर्डर मेन है, तो 3, 5, 7, 9 एंड सोन, यहाँ पर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, 17 के बाद 19 के बाद कितना होगा हमारा, 21, 23, 25 एंड 27 एंड 29, ये होंगे कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है। तो इसमें सिंपल अगर हमसे कह रहा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्राइम नंबर देखो आप इसमें कितने हैं, प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है यहाँ पर, और क्या है हमारे पास, 25, 27, 29 में से 29 है, ये सभी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आउट ऑफ कितने में से, कितने थे ये हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 में से, बस सिंपल ये हो गया 9/14। फिर क्या कह रहा है, नंबर लेस देन 16, 16 से छोटे नंबर, नंबर लेस देन 16, तो लेस देन 16 कौन कौन है, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है लेस देन 16, आउट ऑफ 14 में से तो कितना हो गया हमारे पास, 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी। फिर क्या बोल रहा है इसमें, थर्ड वाले में नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3, थर्ड में क्या है प्रोबेबिलिटी, नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल कौन है, 3, फिर इसका 9, फिर यहाँ पर 15, ठीक है, 3, 9, 15, ये 3 से डिविजिबल है, एंड ये 21 और 25 भी होता है, नहीं 27 होता है, तो ये क्या हमारे 3 से डिविजिबल नंबर है, कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए हमारे 5, आउट ऑफ कितने में से, 14 में से, बस सिंपल ये करना था इसमें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 में कह रहा है कि एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 में से आपको इंटीजर्स चूज करने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डिविजिबल बाय 5, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर, ये तो आपको अपने आप करना है खुद से, सिंपल है। 17, टू डाइसेस आर थ्रोन एट सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम इज नोटिस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। अभी टू डाइस वाला केस अभी हमने किया था, तो टू डाइस वाला केस कुछ इस तरीके से आउटकम्स बनते हैं इसके, टोटल इसका जो सैम्पल स्पेस है इस तरीके से आता है। अब इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या हो, दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 9 हो, तो देखो किस किस का प्रोडक्ट लेस देन 9 हो रहा है, इसका लेस देन 9 है क्योंकि बना रहा है, इनका लेस देन 9 है, लेस देन ग्रेटर देन 9 या फिर 9 कहाँ पर आ रहा है उसको देख लो बस, जैसे यहाँ 3, 3 9, 4, 2 8, इसको छोड़ना है, फिर आपको लेस देन 9 चाहिए, देखो यहाँ पर तो सभी जगह लेस देन 9 आ रहा है, अब यहाँ पर 5 1 5, 4 2 जा, तो आप इनको भी काउंट करोगे तो बस इसको छोड़ना है, 4 4 16 ये तो छोड़ना है हमें, 3 4 12 ये भी छोड़नी है हमें, ये वाली अगर हम लाइन देखें, 6 1 6, इसमें इसको ले सकते हैं हम, ठीक है इसको ले सकते हैं, 5 2 8, 5 2 10, इसको नहीं ले सकते, लेस देन 9 लेना है बस आपको, तो बस किस किस को नहीं ले सकते वो देख लो, 3 3 9, 5 2 10, 4 3 12 इनको नहीं ले सकते, 4 3 12, 3 4 12, 2 5 10, 6 1 6 तो ले सकते हैं, 2 6 12, 3 5 15, 4 4 16, 5 3 15, 6 2 12, 6 3, अब ये सभी ग्रेटर हैं, 9 से क्या है, ये ग्रेटर है, तो इसमें देखो आप कौन कौन से ले सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, ये 16 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, 16 इवेंट्स आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। 16 है ना ये, 6 और 5 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो बस इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 16 upon 36, कैंसिल कर लो, 4 4 16, 4 9, तो फर्स्ट वाले का आंसर, ये 16 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लास्ट वाला तो होगा 4 upon 9। फिर इसमें सेकंड पार्ट है कि दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, बताओ अब कि प्रोडक्ट क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब में क्या कौन कौन आता है, 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है, तो देखो कहाँ पर आ रही है वैल्यू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो ये लेंगे इसमें 1, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है हमारा। फिर 8 देखो किस किस की मल्टीप्लाई 8 आ रही है, तो 4 2 8 वाला केस हमारा कहाँ पर आता है, ये आ रहा है 4 2 8, तो ये वाला लोगे आप 8 यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है 8, ये रहा 4 2 8, 4 2 8 होते हैं हमारे, और 2 4 8, 2 और 4 8 होगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। और कोई देखो जिसमें 8 आ रहा हो, नहीं और किसी में 8 नहीं आएगा, तो फिर किसमें आएगा हमारा, 8 तो ये हो गया हमारा, फिर आएगा 27 वाला केस देखो, तो 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 27 होता है, लेकिन 9 तो होता ही नहीं है इसमें, तो फिर 9 3 भी नहीं होगा इसमें, 27 तो कहीं भी नहीं होगा, फिर इसमें 6 3 18 5 4 20 6 4 कितने होंगे 24, 5 5 25, तो 27 भी कहीं नहीं होगा, 64 है सिर्फ इसमें, 64 नहीं है इसमें, 8 8 64 होते हैं या तो हमारे, नहीं है 64 भी नहीं है, तो सिर्फ इसमें क्या है परफेक्ट क्यूब में 1 है एंड 8 है, देखो 8 इसमें आ रही है मल्टीप्लाई करके, और इसको आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और कोई है ऐसा इवेंट जिसमें मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो बस 1 2 3 इसमें 3 होगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 36, आंसर कितना होगा इसका 1 upon 12, ये होगा इसका आंसर 1 upon 12, सिंपल ही होगा इसका आंसर 1 upon 12। क्वेश्चन नंबर था ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 था, 16 तो आपको अपने आप से खुद से करना है, ओके लास्ट क्वेश्चन है ये, तो बस सिंपल ये इसके दोनों आंसर्स हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी, और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हो और आप बुक को ही अच्छे से कर लेते हो ना, तो बस ये अभी के लिए आपके लिए इनफ है, तो इसको अच्छे से करें, रिवीजन करें 2 से 3 times, और हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बस इतना प्रिपरेशन कर लें, अभी आपकी यूटी के लिए वही सफिशिएंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।